नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने समानता से संबंधित बातें की थी। आज हम पढ़ाएंगे समानता के विभिन्न पक्ष तथा वैधानिक या कानूनी समानता। समानता के विभिन्न पक्ष में हम बताएंगे, जैसे वर्तमान समय की जो सार्वधिक लोकप्रिय धारणा है और विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं के अपने अपने तरीके से समानता की धारणा का प्रतिपादन किया है। इस स्थिति में समानता के विभिन्न रूप मतलब आयाम को जन्म दिया जाता है। कई विभिन्न समानता के विभिन्न आयाम हैं कि कितने प्रकार की समानताएं होती हैं। तो पहला है इसमें कानूनी समानता। तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं कानूनी समानता या वैधिक समानता से संबंधित चर्चा। ये BA फर्स्ट ईयर का ही फर्स्ट पेपर है। जैसे वैधिक या कानूनी समानता अथवा समानता का कानूनी पक्ष, कानून के अनुसार क्या समानता होती है, इससे संबंधित चर्चा हम करेंगे। जैसे कानूनी समानता का अर्थ है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनचाहा व्यवहार नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हों और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। जैसे ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था विधि का शासन, जो ब्रिटेन से लिया है संवैधानिक व्यवस्था, उसमें विधि का जो शासन है उसे कानूनी समानता की स्थिति को प्राप्त करने की व्यवस्था है। कानूनी समानता में निम्न बातें आती हैं। विधि की समानता या कानून की समानता एक ही बात है, इसमें कई बातें आती हैं। जैसे कानून के समक्ष समानता, इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक है और एक से कानून बनाएगा और इन कानूनों को एक समान लागू करेगा। राज्य जन्म, वंश, लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, धनी गरीब या ऊंच नीच आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानूनी समानता में कानून के अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं और किसी भी गरीबी, अमीरी, धर्म, अर्म किसी में वह कानून के अनुसार भेदभाव नहीं करेगा। जिसे एक विचारक कहते हैं कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होगा। अंग्रेज विधि शास्त्री थे डायसी ने विधि के समक्ष समानता की व्याख्या इस प्रकार की थी, हमारे देश में प्रत्येक प्राधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पुलिस का सिपाही या वह वसूली करने वाला हो, अवैधानिक कार्यों के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना अन्य कोई साधारण नागरिक हो। डायसी कहते हैं कि यदि कानून के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, पुलिस, सिपाही कुछ भी दागी पाए जाते हैं तो उन्हें भी वही दंड मिलेगा जो एक साधारण नागरिक को मिलता है। तो दूसरा आया कानून का समान संरक्षण। जैसे कानून में समक्ष समानता है, उसी के अनुसार है कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा व्यक्तियों को। कानून के समक्ष समानता कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसके साथ ही कानून समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी है, जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। राज्य कानूनों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान करता है, उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इससे यह बात निहित है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अभी हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि कानून के समक्ष समानता 14 से 18 तक आता है, तो कानून का संरक्षण
व्यक्तियों के लिए रहेगा और वह किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं रखेगा। एक है कर्तव्य के प्रसंग में समानता। कानूनी समानता की धारणा में यह भी बात सम्मिलित है कि अधिकारों के साथ सभी व्यक्तियों के कर्तव्य भी एक समान होंगे। जन्म, वंश, धर्म या संपत्ति आदि के आधार पर ना तो किसी को विशेष सुविधाएं प्राप्त होगी और ना उनके कर्तव्यों की अलग अलग माने जाएंगी कि गरीबों का कानून अलग है और पैसे वालों का अलग है। कर्तव्य सभी के लिए एक है। एक है करों के निर्धारण में समानता। करों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि करों का बोझ सभी के ऊपर डाला जाए। इस प्रसंग में कर देने की क्षमता के आधार पर अवश्य भेद किया जा सकता है। धनी व्यक्तियों पर करों का अधिक बोझ हो और निर्धन व्यक्तियों पर करों का कम बोझ हो, कानूनी समानता के इस सिद्धांत के अनुसार ही है। विशेष संगत आधार पर भेदभाव मान्य। जैसे कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का ही निषेध करता है। जैसे विशेष संगत आधार पर यदि किसी वर्ग विशेष की विशेषता सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो समानता का सिद्धांत इसका निषेध नहीं करता। शर्त यह है कि उस स्थिति में उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हों। उदाहरण के लिए जैसे राज्य ऐसा कोई कानून बना सकता है कि अमुक राशि से कम आय वाले लोगों को सरकारी दुकानों से सस्ता अनाज मिलेगा अथवा ऐसी परिवारों के बच्चों को निःशुल्क मतलब शिक्षण शुल्क में छूट दी जाएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुसूचित जातियों जनजातियों को भी विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, वे इसी श्रेणी में आते हैं। वर्ग विशेष को प्रदान की गई इस प्रकार की विशेष सुविधाएं को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, वे कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। इसलिए ये कानूनी आधार पर सभी व्यक्तियों को समानता की अधिकार प्राप्त है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, कानूनी समानता। धन्यवाद।